देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार से लौटी दहशत। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले, पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 23,000 नए मामले, 84 की मौत। जबकि देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में भारी उछाल, 24 घंटों में पहली बार 35,000 से ज्यादा नए केस, 172 लोगों की मौत। यूपी में योगी सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस। प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पर होगी जांच। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का अचानक हुआ तबादला। बनाए गए मुंबई होमगार्ड के प्रमुख हेमंत नागाराले बनाए गए मुंबई पुलिस के नए कमिश्नर। कहा, पुलिस को मुश्किल वक्त से निकालने की रहेगी कोशिश। बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज। पीएम मोदी के आज पुरुलिया में जनसभा को किया संबोधित। ममता बनर्जी की चोट को लेकर जाहिर की चिंता। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पर उच्च न्यायालय ने लिया बड़ा फैसला। 2015 के आधार पर लागू होगा आरक्षण, जिसके बाद प्रदेश कैबिनेट ने 2015 के आधार वर्ष मानकर जारी की अधिसूचना। एलपीजी सिलेंडर पड़ेगा 300 रुपए सस्ता। सब्सिडी वाले बैंक खाते से आधार कार्ड को करना होगा लिंक। मौजूदा समय में नवंबर 2020 में 594 रुपए कीमत वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब 819 रुपए का है। लखनऊ में लवलाई स्थित कांसीराम कॉलोनी में देर रात युवक की हत्या। मृतक की मां ने कॉलोनी के एक युवती और उसके परिवार पर लगाया हत्या का आरोप। छानबीन में जुटी पुलिस। विराट कोहली आईसीसी T20 रैंकिंग में लगाई जबरदस्त छलांग। टॉप 5 में बनाई जगह। केएल राहुल को एक पायदान का हुआ नुकसान। ऑलराउंडर की लिस्ट में वाशिंगटन सुंदर को 2 पायदान का हुआ फायदा। इंडियन आइडल में एक बार फिर दिखेंगे अनु मलिक, गेस्ट के तौर पर लेंगे एंट्री। सीजन 10 में जावेद अली को करेंगे रिप्लेस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारे बताते हुए दी चेतावनी। कहा, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चेतावनी के बाद रूस ने अपने राजदूत को बुलाया वापस।